हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हेल्दी चस्का में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम घर में रखे हुए सामान से इजीली, जो भी सामान है हमारे पास, उसी से ही फटाफट तैयार होने वाला चटपटा एक नाश्ता तैयार करेंगे। तो आइए, इसके लिए देखिए, हमारे पास ये कच्चा आलू लिया हुआ है। हमने इसको हमने अच्छे से ग्रेट करके थोड़ी देर पानी में भिगो कर रख दिया था। तो ये लेते हैं हम सबसे पहले। देखिए, इसमें से पानी निकल गया है। ये हमारे पास ग्रेटेड कच्चा आलू है। ये हमने दो कच्चे आलू लिए हुए हैं। देखिए, सालू का हमने पानी निकाल दिया था चलनी से, ये लिया हुआ है। साथ ही इसमें आप जो भी वेजिटेबल्स चाहें इसको हेल्दी बनाने के लिए, हमने यहाँ पर कैप्सिकम ली है चॉप, साथ ही एक ओनियन चॉप्ड, ये करी लीव्स एंड ग्रीन चिली, जो भी घर में अवेलेबल है। इस टाइम पर बारिश का मौसम है हमारे यहाँ, आप जब चाहें तब इसको बनाएं। देखिए, इसमें हम ये जो सूजी रवा है महीन वाली, इसको हमने ऐड किया है 1 बॉल। साथ ही इसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए हमने 1/2 बॉल ये बेसन इसमें ऐड किया है। इसमें अच्छे से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले इसमें ऐड कर लें। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा या जीरा पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून नमक, और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, बाइंड कर लेंगे। बाइंडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसमें बेसन या सूजी और ऐड कर लें। हाथ से अच्छे से मिलाते हैं इसको बाइंडिंग स्टेज तक। ये देखिए, हमारा ये छोटा पड़ रहा था इसलिए हमने इसको बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें बेसन और ऐड कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है, परफेक्ट। इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखते हैं। तब तक हम इसके लिए एक स्लरी तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने एक बॉल लेकर, देखिए बॉल में हमने ये 2 टेबल स्पून ये कॉर्नफ्लोर लिया है। आप इसकी जगह मैदा, अरारोट कुछ भी ले सकते हैं। इसको भी थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। ये घोल हमारा तैयार हो गया है। साथ ही हमने यहाँ पर ये देखिए कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं उसका चूरा कर लिया है तैयार। ग्राइंड कर लें आप थोड़ा सा, आपके पास अगर ब्रेड है तो उसका स्क्रम्ब ले लें। तो सबसे पहले हमने जो ये यहाँ पर ये मिक्सचर तैयार किया था, इसमें हल्का सा हाथ में पानी या आप थोड़ा सा ऑयल कुछ भी लगा लें। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी टिकियां सी बना लेंगे। आप साइज अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा, छोटा बड़ा, जैसा चाहें वैसे करें। देखिए, इस तरह से हम अपनी सारी टिकियां बना लेंगे। देखिए, हमने अपनी सारी टिकियां इस तरह से बनाकर तैयार कर ली हैं। ये आप काम पहले भी कर सकते हैं, फ्रिज में बनाकर रख दें, जब चाहें तब बनाएं। अब हम इसको, ये देखिए जो हम इसकी सिलेरी तैयार की है, हम यहाँ पर एक एक टिकिया को इस तरह से लेंगे, इसमें इस तरह से डिप करेंगे एक हाथ से, और दूसरे हाथ से इसमें इस तरह से इसको कोटेड कर देंगे। बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है ये। ये देखिए, इस तरह से इसको कोट करके एक अलग प्लेट में इसको इस तरह से रखकर सभी तैयार कर लेंगे हम। ये देखिए, अभी हमने थोड़ी सी ये टिकिया तैयार कर ली है, आइए अब इनको फ्राई करते हैं। देखिए, फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। आप इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, हम इसको चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें धीरे से इनको इस तरह से प्लेस कर देंगे, एक बार में जितनी आराम से आ जाएं और जितनी सिक जाएं। देखिए, एक तब सिकने के बाद धीरे से इसको टर्न कर लेंगे। ये देखिए, बढ़िया सा कलर आ रहा है, बहुत अच्छा क्रिस्पी। इसको थोड़े मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इनको ये बिल्कुल सिक कर तैयार हैं, बहुत ही अच्छा ये देखिए कलर आया है इसमें, ना ही कहीं से क्रैक हुई है।
देखिए बहुत अच्छे से इसमें कलर आ गया है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई है। इनको हम निकालते हैं, ये देखिए इसमें ऑयल भी कम लगता है। देखिए ऑयल अच्छे से निकलने के बाद इसको हम इस तरह से टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे ये झटपट बनने वाला नाश्ता बनकर तैयार है, इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, बहुत ही ज्यादा है। एक हम इसको देखिए बहुत ज्यादा टेस्टी क्रिस्पी, आप किसी के भी साथ खाएं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे दो कच्चे आलूओं से हमने फटाफट पूरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है, इसमें सारी वेजिटेबल्स हैं, झटपट तैयार होने वाला है घर के सामान से रखे हुए से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।